जय श्री राम दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी इमेज पे टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट करना है। तो जल्दी से मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। और सामने हमारी है इमेज, और टेक्स्ट इफेक्ट करने के लिए हमें एक ब्रश क्रिएट करना पड़ेगा जो कि टेक्स्ट की तरह वर्क करेगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और इस लेयर को मैं फिल कर दूँगा वाइट। ओके, अब मुझे जिस भी टेक्स्ट का जिस किसी भी वर्ड का ब्रश बनाना है, तो मैं यहाँ पे ब्रश टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसका नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयरन मैन। ओके, और इसका कलर भी मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, और जो साइज़ है इसका वो भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ समथिंग इतना, और इसको मैं रख दूँगा मिड में, और थोड़ा सा साइज़ और चेंज कर देता हूँ इसका। ओके, तो ब्रश सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा यहाँ पे एडिट में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैं डिफाइन ब्रश प्रीसेट, तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका नाम रख सकता हूँ। तो इस ब्रश का नाम मैं रख देता हूँ आयरन मैन, परफेक्ट, और ओके क्लिक करता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो ऊपर तो जो हमने ब्रश क्रिएट किया था वो यहाँ पर बन चुका है ब्रश। ओके, तो इस ब्रश को मैं कर दूँगा ब्लेड सॉरी टेक्स्ट को, और साइज़ इसका मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ। और अब मैं ब्रश को यूज़ करूँगा, तो हमारा ब्रश जो है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा है, तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। तो इसको सही करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रश की सेटिंग्स में, जो कि हमें मिलती है राइट में यहाँ पे टॉगल द ब्रश सेटिंग। ओके, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर शेप डायनेमिक्स में, और यहाँ पर हमें साइज़ एडिटर मिलता है, इसको मैं कर दूँगा इंक्रीज़ 200, और यहाँ पे मिनिमम डायमीटर है और इसको मैं 0 रहने देता हूँ। और यहाँ पे हमें एंगल जिटर मिलता है, तो मैं एंगल चेंज करूँगा तो इसका रोटेशन जो टेक्स्ट है हमारा वो रोटेट करेगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। ओके, तो इसको भी हम 0 कर देंगे। और यहाँ पे राउंडनेस जिटर है, तो इसको मैं रखता हूँ अराउंड आई थिंक 40%, और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारा स्केटिंग, तो इसको भी मैं ऑन करता हूँ, और स्केटिंग इंक्रीज़ करूँगा वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है वो स्प्रेड हो रहा है, तो इसको मैं रखता हूँ अराउंड आई थिंक 170। ओके, और काउंट में इंक्रीज़ करूँगा तो हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी इंक्रीज़ होंगे। ओके, तो इसको 0 रहने देता हूँ, और काउंट जिटर को मैं कर देता हूँ 100। और यहाँ पे मिलता है हमें ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र में हमें मिलती है इसकी ओपेसिटी, तो ओपेसिटी को मैं इंक्रीज़ करूँगा अराउंड इसको हम रखते हैं 60। ओके, और यहाँ पे फ्लो जिटर है, फ्लो जिटर को मैं कर दूँगा 100, परफेक्ट। और ट्राई करते हैं अब जो हमारा ब्रश वर्क करेगा वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसका साइज़ मैं छोटा करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमारा ब्रश वर्क करेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे ब्रश टू टिप की जो शेप है इसकी मैं स्पेसिंग वो इंक्रीज़ कर दूँगा अराउंड 30, और ट्राई करते हैं एक बार। ओके, थोड़ी मैं और चेंज कर सकता हूँ अराउंड 45, परफेक्ट। यहाँ से जो ट्रांसफ़र की वैल्यू है इसकी मैं जिटर ओपेसिटी वो कम कर सकता हूँ, इसको रखता हूँ मैं अराउंड 25, परफेक्ट। और इसको क्लोज करते हैं, और इस लेयर को भी हम करते हैं डिलीट। और अब हमें एक लेयर क्रिएट करनी है, इसको मैं रखता हूँ नीचे, और इसका नाम मैं रखता हूँ बैकग्राउंड। ओके, और इसको मैं फिल कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक कलर में। लेयर हमारी ऊपर वाली विजिबल है इसलिए ब्लैक कलर दिख नहीं रहा है। ओके, तो हमारी जो लेयर है वो ब्लैक कलर की हो चुकी है। और एक लेयर मैं और क्रिएट करूँगा जिसको मैं रखूँगा अपनी इमेज के नीचे, और इसका नाम मैं रखता हूँ ब्रश लेयर। ओके, और इस वाली लेयर पे मैं डुप्लीकेट लूँगा, और कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लूँगा, और इसको रखूँगा अपनी ब्रश लेयर के नीचे, और इसकी ओपेसिटी मैं रख दूँगा अराउंड 5। और इस लेयर इमेज पे मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हमें मिलता है ऑप्शन क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारी जो इमेज का वो मास्क बन चुका है।
और यहाँ से मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रश लेयर, और जैसे ही मैं इस पर ब्रश का यूज़ करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज है वो विजिबल होना स्टार्ट हो गई है एज अ टेक्स्ट के रूप में। ओके, तो इसका साइज़ मैं छोटा कर दूँगा थोड़ा सा, और जहाँ जो भी पार्ट मेरे को चाहिए, जो भी विजिबल रखना है, मैं उस पर ब्रश का यूज़ करूँगा। तो अराउंड मेरे को ये वाला पार्ट विजिबल रखना है। ओके, और कुछ पार्ट साइड में, तो इसको मैं साइड में भी ब्रश का यूज़ कर लेता हूँ। कुछ टेक्स्ट हमारे लार्ज रहेंगे, कुछ हमारे स्मॉल रहेंगे, तो उसी तरीके से आपको मतलब जैसे भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। और ऊपर के लिए भी मैं ड्रॉ कर लूँगा। और ओके, और फेस मुझे इसका विजिबल रखना है, तो फेस पे मैं इस ब्रश का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करूँगा, जिससे कि हमारा फेस जो है वो विजिबल हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, और स्केटर की वैल्यू मेरे को इंक्रीज़ करनी है, तो मैं वापस से जा सकता हूँ यहाँ पे स्केटरिंग में, और इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो काफ़ी पास पास क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ समथिंग 220, परफेक्ट। और इस तरीके से पूरी इमेज पे मैं जहाँ भी टेक्स्ट क्रिएट करना है मैं कर लूँगा। ओके, और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक ग्रेडियंट का, एक ग्रेडियंट इमेज का। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेड एंड येलो, आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगी। और इसका साइज़ इंक्रीज़ करके मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ रोटेट समथिंग इतना, और परफेक्ट। और यहाँ से मैं इस लेयर के मोड को चेंज कर दूँगा टू ओवरले में, और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर दूँगा थोड़ी रिड्यूस टू 20 आई थिंक। ओके, और ये वाली जो लेयर है इसकी भी मैं ओपेसिटी चेक कर सकता हूँ कम या ज़्यादा करके, जो भी मेरे को रिज़ल्ट अच्छा लग रहा होगा मैं वो वैल्यू रखूँगा, 5 ही रखता हूँ मैं इसको। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज पे टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।